तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाय, कैसे हैं आप सब? आशा है सब ठीक होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं आज घूमने, तो हम लोग उस जगह को एक बार देख चुके हैं, लेकिन आप लोगों को भी दिखा दे कि एक ऐसा जगह है यहाँ पास में, बड़ा सुंदर जगह है। आप लोग भी आइए घूमने के लिए, देखिए, विजिट कीजिए, बड़ा सुंदर प्लेस है। तो उस जगह का कुछ सुंदर सुंदर फोटो लेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, तो हमारी इस ब्लॉग में बने रहिए। तो फिर कुछ सामान ले रहे हैं यहाँ पर, और ये है जाने का रास्ता। कुछ समय में पहुँच ही जाएंगे हम लोग। और इधर बहुत धूल है मार्केट में, सड़क बन रहा है। तो ये हमारे बाबू, थोड़ा आज उसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तब भी लेके जा रहे हैं, क्या करें, बहुत दिन हो गया बाहर नहीं निकले हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ये, तो फुल एंजॉय करेंगे आज। तो यही पहाड़ है, इसी में जाना है हम लोगों को, बहुत चढ़ाने का है गाड़ी को अभी। पौधों के बीच में है हम लोग, और ये इस पहाड़ का नाम है, क्या है इस पहाड़ का नाम जी? गड़िया पहाड़ बोलते हैं इसको। और देखना, मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ इसमें, कितना आपको चढ़ाना पड़ेगा गाड़ी को। यहाँ जाने के लिए 10 रुपये टिकट है, और ये इसका निर्देश और ये यहाँ का कुछ नियम शर्त हैं। हम आ चुके हैं, ये इसका गेट है। तो यहाँ जाने के लिए 10 रुपये टिकट है, और कुछ नियम शर्तें भी हैं जो यहाँ पर आके पता चल जाएगा आप लोगों को, और नहीं है तो मैं डाल दूँगी इसका फ़ोटो। और चलो चलते हैं हम लोग ऊपर अब। ये बाबू थोड़ा परेशान कर रहा है, तो वीडियो बनाने में दिक्कत हो जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, फिर मज़ा आ जाएगा, आप लोगों को भी दिखाते हैं गड़िया पहाड़ कांकेर। तो ये चल रहे हैं हम लोग, ये है फुल वीडियो इसका, देखिए कितना उतार इसमें चढ़ाव है। आने के समय गाड़ी पूरा बंद करके आना पड़ता है, मज़ा आ जाता है उसमें तो। और तो अभी चढ़ा रहे हैं, देखो ये हमारे सिटी, कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ से तो नहीं, ये तो थोड़ा बहुत दिख रहा है अभी तो, और बाकी है जाने के लिए ऊपर में। ये देखो कितना ऊपर चढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को, वो हो गया सूर्य। अरे वाह, पहाड़ों के बीच में ये सुंदर सा सड़क, मज़ा आ जा रहा है। फिर बीच में तालाब, ये देखिए कहाँ आ गए हम लोग। आइए आप लोग भी, बड़ा शांत जगह है, पिकनिक के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सड़क में उतार चढ़ाव का है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देके आपको चढ़ाना पड़ेगा। और वो दिखा रही हूँ यहाँ का जगह, तो देखिए इंजॉय कीजिए। मैं सोचती हूँ कि इसको बनाने में कितना मेहनत लगा होगा, बीच पहाड़ को काट के इतना बड़ा सड़क बनाना, मतलब थोड़ा बहुत मेहनत का काम हुआ होगा। तो यहाँ हमेशा शांति रहता है, आप लोग कीजिए इधर विजिट, और देखिए कितना शांति जगह है, मज़ा आएगा आप लोगों को गड़िया पहाड़ में। ये है देखिए, देखिए कितना सुंदर है यहाँ का सिटी। आपको ये सड़क आपको 1.5-2 किलोमीटर पड़ेगा चढ़ाने को, तो मज़ा आ जाता है, लेकिन गाड़ी का जो आवाज़ है वो सुन सकते हो आप लोग पूरा। देखिए हम लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे करके, अब तो सिटी भी नहीं दिखने को है, पूरा पहाड़ों के वादियों में आ चुके हैं हम लोग। और ये देखिए, तो मैं भी आ जाती हूँ थोड़ा बहुत कैमरे में, जा रहे हैं। और ये जा रहे हैं हम लोग गाड़ी में, ये पहाड़ और ये गाड़ी और ये बीच में सड़क। तो बाबू बेचारा भी देख रहा है वीडियो में कि मम्मी क्या कर रही है,
ये सब आप लोगों के लिए है गाइस। तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए कैसा लगा प्लेस, और आइए आप लोग भी। फिर देखते हैं आगे क्या है वीडियो में। घूमने भी आए हैं बहुत जने, गाड़ी खड़ा है यहाँ, तो यहाँ पार्क कर लेंगे अपना गाड़ी के हैं। तो चलिए आप लोगों को पैदल यात्रा में दिखाते हैं यहाँ का सुंदर सुंदर जगह। तो यहाँ एक ऐसा जगह भी है जो पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सा तालाब है जहाँ पानी भरा हुआ है फुल। तो हम वो जगह को भी आपको दिखाएंगे कुछ समय बाद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह जहाँ से पूरा आपको सिटी दिखेगा, ये देख लीजिए, जा रहे हैं चलो। तो चलिए चलते हैं फिर, फुल मज़ा आता है। और ये मौसम भी अच्छा हो गया है, अभी थोड़ा सा बादल हो गया है। तो ये हमारा बाबू, थोड़ा सा अच्छा नहीं है इसका तबीयत आज, तो परेशान है। हाय, चलो कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप लोगों के लिए हम लोग फिर से आ गए यहाँ। तो चलिए, कितना देखोगे मुझे, चलो अब आपको बाकी सिटी दिखाती हूँ। तो हमें यहाँ जाना है ऊपर में, ये हमारे हस्बैंड जी और बाबू जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं फिर। मेरा तो सांस फूल गया पूरा। तो ये आ गया हमारा व्यू, तो देखिए फिर यहाँ से घरें कितनी छोटी छोटी दिख रहे हैं, बाप रे। मेरा तो सांस फूल गया सीढ़ी चढ़ के, आपको पूरा गोल चक्कर दिखा सकती हूँ इसमें। तो देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, मेरा सांस फूल रहा है इसलिए मैं धीरे से बात कर रही हूँ। देखो बाप रे, पूरा सिटी दिखता है यहाँ से। हमारा घर कहाँ पर है हमें खुद पता नहीं, यहाँ से छोटा दिख रहा है सब। और ये है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ सिटी के बीच में कुछ कुछ पहाड़े भी हैं, तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पूरा पहाड़ बहुत है, मतलब बोलने के लिए पहाड़ों का शहर बोल सकते हैं। देखिए पूरा आसमान में ढक चुका है पहाड़, क्योंकि ये व्यू इतना बड़ा है, यहाँ से पूरा सब बादल में छिपा हुआ लग रहा है। और मौसम भी सुहाना हो गया है आज, धूप नहीं निकला है ज़्यादा, सूर्य जी हमारे माथे में नहीं चमक रहा है ज़्यादा, तो थोड़ा दिखाने में आसानी हो रहा है मुझे। तो चलिए, और ये जगह हो गया देखने के लिए। अब हम लोग जो एक सुंदर जगह दिखाएंगे बोल रहे हैं वहाँ जाएंगे। देखो नन्ना को फेंक दूंगी यहाँ से। उतर रहे हैं हम लोग, अब जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो हमारे इस वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, और बहुत सारी ऐसे ऐसे जगह हैं आसपास में और कुछ दूर में भी है जो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। और अच्छा अच्छा व्यू है जहाँ आप पिकनिक के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए आ सकते हैं, आपकी मन की शांति के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी अशांत जगह नहीं है, शोर शराबा कुछ भी नहीं है। और ये हम लोग जा रहे हैं, तो मेरे मिस्टर कैमरा कैसे पकड़ते हैं वो बता रहे थे, माई मिस्टेक, मुझे नहीं पता कैमरा कैसे पकड़ना था, जैसे भी वो फ़ोटो आना से मतलब था मुझे। यहाँ हम लोग क्या देखे थे नन्नी, पहली बार आए थे तो यहाँ पर क्या देखे थे, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था बेटा, यहाँ हम लोग क्या देखे थे, छत, यहाँ हुप आया था ना मंकी, हाँ मंकी आया था ना, तो चम्मच, हाँ याद है नन्नी को, अरे वाह चम्मच, हम लोग क्या खाए थे, भेल ना, अरे बाप रे मेरी लल्ली को बहुत याद है सब चीज़।
वो धीरे से निन्नी, उसका पापा है साथ में के चलना, क्योंकि यहाँ पत्थरें हैं बहुत, सीढ़ी वगैरह का सुविधा नहीं है इधर, तभी तो मज़ा है यहाँ आने का। ये जा रहे हैं तो आइए, हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो ये जो मैं बोल रही थी वो तालाब है, यहाँ नहाने का भी सुविधा है शायद, बना हुआ है पत्थर का पचड़ी। देखिए पहाड़ों के बीच में है जो तालाब, हम लोग कुछ कुछ खाने का रखे थे उसको भूल गए हैं डिक्की में, यहाँ चुपचाप बैठे हैं तालाब के किनारे। बाबू को थोड़ा सा खेलने के लिए छोड़े हैं। डरा दे बिट्टू, बंदूक वाला डरा दे, बंदर मंकी, बंदर उधर मंकी डर गया। तो हम लोग उस गुफा में जा रहे हैं, अंदर जा पाएंगे तो दिखाएंगे। छुरी पगार गुफा है ये, जाने का एकदम सकरा रास्ता है, इसके अंदर से होते हुए जाएंगे तो विशाल जगह है बोलते हैं, लेकिन हम लोग नहीं देखे हैं, अंदर नहीं जाएंगे, छोटा बच्चा है हमारे पास। इस तालाब का नाम सोनाई दुपाई तालाब है, इसकी कुछ पौराणिक कथाएं हैं। एक राजा रहता था क्या, और उसकी दो बेटियां हैं जो कि इस तालाब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई, तो उनकी आत्माएँ इसमें अभी तक से रक्षा करती है ऐसे सुना गया है, बताए गए हैं पूछने पर। तो ये तालाब का व्यू दिख रहा है आप लोगों को, वहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो झाड़ू लगा रहे हैं मंदिर का, और ये बाबू और इसके पापा। मंकी को देख के बाबू बहुत खुश है। इसकी जो भी पौराणिक कथा है वो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं। हाय मंकी, हम लोग कुछ पकड़े नहीं है वरना हमारे पास आ जाता है, मोबाइल को पकड़ के ले जाएगा, नहीं लेके जाएगा बोले। ये खुश रखना और स्वस्थ रखना। नहीं चढ़ पा रही हूँ, सांस फूल जाता है थोड़ा समय मेरा, उतरने के समय तो फट फट उतर गए, चढ़ने के समय हालत हो गया गंभीर। अब हम लोग जा रहे हैं कि अब गाड़ी को कर देंगे बंद। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, तो मिलते हैं।